अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी व्हाट्स इन माय ट्रैवल मेकअप बैग। ये मेरे तीन पाउचेज़ हैं जो मैं अपनी ट्रैवलिंग में अपने साथ रखती हूं। वैसे तो मेरे पास और भी बहुत से पाउचेज़ हैं, लेकिन अभी जब मैं पाकिस्तान आई थी 2 वीक्स के लिए, तो मैं इन्हीं पाउचेज़ में अपना मेकअप लेके आई थी। ये पाउचेज़ बहुत ही ट्रैवल फ्रेंडली थे और इनमें मेरा जितना मेकअप मुझे ज़रूरत के लिए चाहिए था वो सब आ गया था। ये एक पाउच मैंने पाकिस्तान से ही लिया था, एक रियाद से लिया था, और ये जो ऑरेंज वाला पाउच है ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेकअप का स्टोरेज है और मेरी हर तरह की पैलेट्स और मेरे हर तरह का मेकअप इसमें बहुत इजीली आ जाता है। मेरी फाउंडेशंस भी इसी में हैं, मेरा मिरर भी इसी में है, मतलब इसमें काफ़ी स्टोरेज की जगह है। और बाकी भी छोटी छोटी मेरी जितनी पैलेट्स हैं वो सब मैं इसी में लाती हूँ। वैसे तो ये मेकअप मैं सिर्फ 2 वीक्स के लिए लाई थी, लेकिन अभी मुझे 5 मंथ्स हो गए हैं और ये अभी तक ये मेकअप मेरे साथ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे इस पाउच में क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें इस पाउच में आई हुई थी और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसकी स्टोरेज बहुत ही अच्छी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ट्रैवलिंग के लिए चाहिए होती है वो होता है एक मिरर, क्योंकि कभी कभार आपको कहीं पे मेकअप करना होता है और मिरर होता है और कहीं पे नहीं होता। उसके बाद ये सेकंड चीज़ है, आप हमेशा ट्रैवलिंग के लिए मिनीज़ को प्रेफर करें, और या फिर इस तरह की कोई पैलेट आप ज़रूर अपने ट्रैवल बैग में रखें जिसमें आपको ब्लश, ब्राउन्ज़र और हाइलाइटर तीनों चीज़ें एक ही पैलेट में मिल जाएँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत ही हैंडी होगी, कहीं पे भी आप निकाल के इससे टचअप्स भी कर सकते हैं और तीनों चीज़ें अलग अलग आपको अपने साथ नहीं लानी पड़ेंगी। उसके बाद आप अपने आई शेड्स के लिए एक ऐसी पैलेट सेलेक्ट करें जिसमें हर तरह का कलर हो, न्यूट्रल कलर हो, वाइब्रेंट कलर्स हो, और ताकि आपको कहीं पे भी जाने के लिए किसी भी तरह का तैयार होना हो तो वो सब कलर एक ही मिनी पैलेट में आपको मिल जाए। ये मेरी जूवियास की पैलेट है और ये बहुत अच्छी पैलेट है, लेकिन अगर आप इसी में थोड़ा सी अफोर्डेबल देखना चाहते हैं तो आप वेट एंड वाइल्ड की ये पैलेट ले सकते हैं। इसमें भी तकरीबन हर तरह का कलर है और मैं हमेशा ट्रैवलिंग में इसको साथ ज़रूर रखती हूँ और बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है इनकी भी। उसके बाद जी आप वेट एंड वाइल्ड की ये छोटी पैलेट भी रख सकते हैं। ये मेरी ट्रैवलिंग की वजह से ही थोड़ी सी टूट गई है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी पैलेट है और ये क्योंकि अफोर्डेबल रेंज में है तो इस तरह की पैलेट्स आप अपने ट्रैवलिंग में अपने साथ रख ही सकते हैं। उसके बाद आईब्रोज़ के लिए आप आईब्रो पेंसिल भी रख सकते हैं, आप इस तरह की भी ब्रो किट भी रख सकते हैं। मुझे क्योंकि ब्रो किट्स ही ज़्यादा कन्वीनियंट लगती हैं तो मैं ये अपने साथ रखती हूँ। उसके अलावा ये मेकअप रेवोल्यूशन की हाईलाइट के लिए है, और अगर आप ब्रॉन्जिंग के लिए रखना चाहते हैं तो वेट एंड वाइल्ड की ये कॉन्टोरिंग पैलेट बहुत अच्छी है, इसका बहुत अच्छा ब्रॉन्जर है और ये तकरीबन अब मेरा ख़त्म ही होने वाला है। इसके अलावा अगर आप क्रीम कॉन्टोर रखना चाहते हैं और ब्लश, तो ये भी एल्फ की एक बहुत अच्छी पैलेट है और ये क्रीम, इसकी क्रीम कॉन्टोर बहुत अच्छी है। और आई थिंक सो ब्रॉन्जर्स के लिए इतने दो काफ़ी होते हैं, इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग में आपको इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। अगर आप किसी गर्मी वाली जगह पे जा रहे हैं तो ये मस्ट है, पाउडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको। और अब हम आ जाते हैं फाउंडेशंस की तरफ। ट्रैवलिंग के लिए आपको इतनी ज़्यादा फाउंडेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपनी कोई सी भी दो फाउंडेशंस रख सकते हैं। मैं बीबी क्रीम भी रखती हूँ और वेट एंड वाइल्ड एंड मेबलिन फिट मी, ये मेरी तीनों बेस्ट चीज़ें हैं। और कंसीलर के लिए मैं ये एक ही कंसीलर रखती हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी होता है। सेटिंग स्प्रे में भी आप अपना कोई सा भी मिनी साइज सेटिंग स्प्रे रख सकते हैं, मैं निक्स का सेटिंग स्प्रे रखती हूँ और ये भी बहुत अच्छा है। अब अगर आपको थोड़ी सी स्मोकी लुक चाहिए तो आप एक पैलेट ऐसी ज़रूर रखें जिसमें आपके सारे स्मोकी मेकअप के, मतलब डार्क आई शेड्स हों, ताकि अगर आपको कहीं कभी स्मोकी मेकअप करके जाना हो तो वो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा जी अब आ जाते हैं हम इस पाउच की तरफ। इस पाउच में मेरी कुछ बेसिक चीज़ें पड़ी हुई हैं और इसमें मैं ज़्यादा ब्रशेस का इस्तेमाल नहीं करती, मैं अपने फिंगर से ही अपने आई शेड्स कर लेती हूँ, इसलिए मुझे ब्रशेस की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राइमर मेरे पास बहुत से हैं, लेकिन ट्रैवलिंग के लिए मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का प्राइमर रखती हूँ। आप कोई भी मिनी साइज़ प्राइमर रख सकते हैं, और ये जैसे टू फेस्ड का बिल्कुल ही सैम्पल साइज़ मिनी है, ये भी आप रख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्राइमर है। और अगर आपने कभी किसी दिन कोई हैवी बेस बनानी है तो आप इस तरह का भी प्राइमर रख सकते हैं।
जो आपकी हैवी बेस में आपको बहुत काम देगा। अगर मस्कारा की बात की जाए तो मस्काराज आप हाई एंड भी रख सकते हैं और थोड़े से अफोर्डेबल भी रख सकते हैं। ये मेरा सबसे पहला मस्कारा था और मैं आज तक इसको अपनी लोअर लैश के लिए ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसी तरह ये एसेंस का भी बहुत अच्छा मस्कारा है और हाई एंड में मैं अपने साथ सफोरा का मस्कारा लेके आई हुई थी। अगर पेंसिल्स की बात की जाए तो मैं अपनी आईज़ पे ग्रीन पेंसिल ज़रूर लगाती हूँ, तो मेबेलिन की ये मास्टर मुझे बहुत पसंद है और इसी तरह मेबेलिन का ये क्लोसल काजल भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये मैं अपने साथ ज़रूर रखती हूँ। ये एसेंस की ब्राउन पेंसिल है आईज़ के अंदर लगाने के लिए, तो ये भी ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये स्किन कलर वाइट पेंसिल है अंडर आई के लिए मैक्स फैक्टर की, ये भी मस्ट है। और अगर आपको थोड़ा आईलाइनर, वैसे तो मैं इसको आईलाइनर के तौर पे यूज़ करती हूँ ब्लू कलर का निक्स का, लेकिन अगर आप इससे आई शेड्स करें, वैसे ये आई शेड्स ही हैं, तो ये भी बहुत ट्रैवलर फ्रेंडली हैं, लेकिन मैं इससे आईलाइनर लगाती हूँ और जो आंखों पे बहुत अच्छा लगता है। और ये निक्स के हैं दोनों। और इसके साथ ही जी आईलाइनर्स में मेरे हाई एंड में मैंने कैट वॉन डी का रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा मस्कारा आईलाइनर है। और अगर आप थोड़ा अफोर्डेबल में देखना चाहें तो स्वीट टच का भी बहुत अच्छा है। इसके बाद आ जाते हैं जी ब्रशेस पे। ब्रशेस मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा अपने साथ नहीं रखती, बस मुझे कॉन्टोर के लिए और ब्लश के लिए चाहिए। तो जी ये रियल टेक्निक का कॉन्टोर ब्रश और मिनीसो का मैंने ब्लश का ब्रश रखा। और ये अंडर आई के लिए मुझे थोड़े से दो ब्रशेस की ज़रूरत पड़ती है, मैं ज़्यादातर ब्रशेस इस्तेमाल ही नहीं करती। ये जी ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्यूटी ब्लेंडर है और आप लोग सब जानते ही होंगे कि ये बहुत अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है और ये भी मस्ट है ट्रैवलिंग के लिए। ट्रैवलिंग के लिए आप हमेशा कोशिश करें कि मिनी साइज चीज़ें रखें, क्योंकि उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आप ज़्यादा स्पेस नहीं लेती और बहुत कन्वीनियंट रहती हैं। जैसे ये एसेंस का ब्लश और ये बिल्कुल मिनी साइज मेरा सेटिंग स्प्रे। कंसीलर्स मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लेकिन अगर कभी करूँ तो ये वाला मुझे सबसे बेस्ट लगता है। अब आ जाते हैं जी लिपस्टिक्स में। लिपस्टिक्स में आप सभी न्यूट्रल कलर्स रखें, पिंक, ब्राउन, हर तरह के। मेरे फेवरेट्स में शामिल है जी हुदा ब्यूटी की लिपस्टिक्स, मैट लिपस्टिक्स। और मैं ज़्यादातर ट्रैवलिंग में प्रेफर करती हूँ मैट लिपस्टिक्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं और उनकी बार बार टचअप्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मेरे पास हुदा ब्यूटी के पिंक एडिशन है और न्यूड एडिशन है, और आई थिंक सो ये मेरे लिए मोर देन इनफ होता है फॉर ट्रैवल। इस दफ़ा क्योंकि मैं 2 वीक्स के लिए आई थी तो बस मैं यही लिपस्टिक ला सकी थी, लेकिन जो कलर मैं नहीं ला सकी वो रेड कलर था। और रेड कलर भी आप अपनी ट्रैवलिंग किट में ज़रूर रखें। इसके बाद हुदा ब्यूटी की ये लिपस्टिक है, ये भी बहुत अच्छा कलर है। अगर आप इसकी एक भी लिपस्टिक अपने साथ रख लें तो आप इसको मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हैं। इसके बाद जी आ जाते हैं अफोर्डेबल पे, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन रोज़ की भी कुछ मैट लिपस्टिक्स रखी हुई हैं। पता नहीं हुदा ब्यूटी के बाद मैं इनका कोई इनको रैंक नहीं कर सकती, लेकिन क्योंकि काफ़ी अफोर्डेबल है, 300 ईच है, तो ट्राई की जा सकती हैं, इसीलिए मैंने ये दो कलर्स भी साथ रखे हैं। इसके बाद ये मार्क जेकब्स की बिल्कुल मिनी लिपस्टिक है, ये भी बहुत अच्छा कलर है और ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। और ये सफोरा की मिनी लिपस्टिक है। ट्रैवलिंग में इस तरह की चीज़ें अगर आप रखेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। फिर साथ ही ये निक्स की और फिर ये वेट एंड वाइल्ड की, ये सारी अफोर्डेबल रेंज में आती हैं। ये कलर पॉप, ये सब कलर्स मैंने छोटे छोटे जितने मेरे पास थे सब मैंने अपने साथ रख लिए थे। लिपस्टिक्स मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, इसलिए मैंने लिपस्टिक एक ही रखी थी। और ये भी मेरी विक्टोरिया सीक्रेट की बहुत अच्छी लिप ग्लॉस है, बहुत अच्छा इसका कलर है। तो हर तरह के कलर्स को आप मिक्स एंड मैच करके भी लगा सकते हैं, तो इसलिए जो जो कलर्स आपको लगता है कि आपको चाहिए होंगे वो आप रखें। ये लाइम क्राइम का जी डार्क कलर है, और कभी कभार आपको ऐसे बाहर जाना पड़ता है जब आपको थोड़े से बोल्ड लिप्स रखने पड़ते हैं, तो कुछ डार्क कलर्स भी अपने साथ ज़रूर रखें। ये जी ब्यूटी वर्ल्ड का कुछ शिमर पैलेट है, लेकिन मैं इसकी सारे कलर्स यूज़ नहीं करती, सिर्फ इसमें सिल्वर यूज़ करती हूँ। इसी तरह मुझे निक्स का ये कलर बहुत पसंद है, सॉफ्ट स्पोकन। मैं स्क्रीन पे भी आपको इनके कलर्स दिखा दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी इनके कलर्स मेंशन कर दूंगी। और ये वो सब लिपस्टिक्स हैं जो अभी 5 मंथ्स तक मेरा साथ दे रही हैं। अब जब आप मेकअप लगा लेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो उतारना भी होगा, और ट्रैवलिंग में कभी कभार बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते करते मेकअप उतारना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ मेकअप वाइप्स, और ये सफोरा का बिल्कुल ही ट्रैवल साइज़ ये आई रिमूवर है, ये भी आप साथ रख सकते हैं। आई मेकअप कभी कभार बहुत ज़्यादा होता है। ये मिनीसो के चारकोल वाइप्स हैं, इनकी मुझे कुछ इतनी ख़ास समझ नहीं आई कि ये इन्होंने इतने पतले क्यों बनाए हैं
और इतने कुछ ख़ास काम नहीं करते, लेकिन आप इस तरह के चारकोल कॉटन पैड ज़रूर साथ रखें। और कोशिश करें कि गार्नियर का अगर आपके पास ये बड़ा वाला है तो छोटे वाले के साथ भी ये कर लें। चलें जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।